हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपने काम को मुश्किल समझते हैं, आप अपने घर के काम को करना थोड़ा ख़राब लगता है, मुश्किल लगता है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा वीडियो काफ़ी यूज़फुल है और जैसे छोटे छोटे टिप्स से, छोटे छोटे आइडिया से आप अपने घर के काम को करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, और जिस काम से आप परेशान हो जाते हैं, घबराते हैं, वो काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली टिप्स ब्रश को लेकर है, जो कि हम अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करते हैं। सुबह उठते हैं तो ब्रश करना होता है, तो ये ब्रश जो होता है इसके तार होते हैं, ये इधर उधर फैल जाते हैं। इसको आपको बिना नया ब्रश खरीदे आप किस तरह से सही कर सकते हैं। हमने कप में गर्म पानी डाल दिया है, उबलता हुआ गर्म पानी हमने इसमें डाल दिया और ब्रश को इसमें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे आपको कई फायदे होंगे। एक तो इससे ये फायदा होगा कि इससे गंदगी निकल जाएगी, इसमें जो छोटे छोटे कण फंसे होंगे, कचरा फंसा होगा, वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो इसका ब्रश होगा बिल्कुल अच्छे से, जो तार होगा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद वो अपने आप ही जो इधर उधर फैले होते हैं वो बहुत ही आपस में अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से गर्म पानी में डालने के बाद 10 मिनट, फिर हमने लिया है आइस। आइस को हम कप में डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नॉर्मल पानी। अब इस नॉर्मल पानी से, आइस के पानी में इस तरह से आपको ब्रश को डाल देना है, पहले गर्म पानी में और फिर ठंडे पानी में। इस तरह से ब्रश में डालकर, ब्रश को डालकर 10 मिनट रख दीजिए, आपका ब्रश बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। इसका जो तार होगा थोड़ा सा इधर उधर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठंडे पानी में प्लास्टिक का ये तार होता है तो बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपके ब्रश में तार इसके इधर उधर हो जाए तो इसको आप ठंडे पानी में, गर्म पानी में ज़रूर डालें। इस तरह से हमने ब्रश को क्लीन करने का वीडियो भी अपलोड किया है, जिसे आप बेकिंग सोडा और इनो नमक डालकर अपने ब्रश को हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हैं, जो कि इसके सारी गंदगी निकल जाएगी और कीटाणु भी। अगले टिप की बात करते हैं, कुकर को हम फ्रिज में रखते हैं तो कुकर को नहीं बल्कि हम इसके रबड़ को, जैसे कि इसका रबड़ ख़राब हो जाता है इस तरह से, तो हम जल्दी से, अब इतनी जल्दी तो रबड़ हम खरीद के नहीं ला सकते। दाल बनाने जा रहे हैं, चावल बनाने, सब्जी कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो जल्दी से मार्केट से रबड़ नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर आइडिया है, काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, तो उससे भी आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से रबड़ को निकाल कर आपको फ्रीज़र में डाल देना है। और अब तो मैं तो हमेशा फ्रीज़र में दो रबर डाल कर ही रखती हूँ। देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है, ये हमेशा पड़े ही रहते हैं क्योंकि जब कभी इमरजेंसी हो तो इसको हम लगा सकें। जब हमेशा पड़े रहते हैं तो ये एकदम हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो इससे मतलब काफ़ी दिन आप यूज़ कर सकते हैं फिर निकाल कर। जब भी आपका कुकर का रबर थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसको आप फ्रीज़र में ज़रूर रखें। इस तरह से आपका कुकर का रबर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा और जैसे कि इमरजेंसी में आपको काफ़ी काम देने वाला है। इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगले टिप की बात करते हैं, ये हमने लिया है टूथपिक, जो कि लकड़ी की होती है, तो ज़्यादा दिन रखते हैं तो ये कहीं इसमें कीड़े लग जाते हैं या थोड़ा सा ख़राब होने लगती है कुछ भी, तो इसको आपको काफ़ी दिन तक सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। जो आपके पास जला हुआ तेल होता है, जैसे कि हम पूड़ी तलते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, कुछ भी, तो एक बार उस तेल को यूज़ किया, दो बार यूज़ किया, तीसरी बार नहीं यूज़ करना है क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो आप इस तरह से टूथपिक में देखिए डालकर इसे अच्छे से मसल लेना है। मसलने के बाद इसको मैं तो दो तीन बार इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ, जिससे कि ये काफ़ी चिकना हो जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो टूथपिक में आप तेल को ज़रूर डालें। इस तरह से मैं कई बार ऑयल को डालकर अच्छे से और गीला करके रख देती हूँ, ये बहुत ही सुंदर होता है, चिकना भी हो जाता है, मजबूती आ जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको भर दिया और जब भी यूज़ करना हो इसे आसानी से यूज़ करें। अब आपके पास लकड़ी का स्पैचुला हो, कलछी हो, बेलन हो, चिमटा हो, जो भी हो, तो लकड़ी का आप इस तरह से, जो भी आपके पास जला हुआ तेल होता है, मतलब कि बार बार यूज़ किया हुआ तेल, तो उसको यूज़ करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो स्पैचुला में आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर लगा दीजिए, बेलन अगर लकड़ी का है तो उसमें भी लगा दीजिए।
तेल लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका तेल बर्बाद नहीं होता है, दूसरे बेलन में लगाने से मजबूत हो जाता है, इसमें शाइनिंग आ जाती है। स्पैचुला में लगाने से इसमें काफ़ी शाइनिंग आती है। तो इस तरह से आप इसे फेंके नहीं, इसे ज़रूर यूज करें। और हमने लिया है केक बोल, केक का ये जो सांचा होता है इसको हम फेंक देते हैं। अगर आप केक के शौकीन हैं तो इसको रखते होंगे, तो इस तरह से आप रखिए। इसमें हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाएं, ऑयल को लगाने से इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और इसमें चिकनापन बना रहेगा। तो इसे आप साबुन से या किसी भी चीज़ से अच्छे से वाश कर सकेंगे, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसमें ऑयल लगाकर ज़रूर रखें, इसमें मजबूती हो जाती है, सुंदर लगने लगता है, शाइनिंग आ जाती है और इसमें कीड़े मकोड़े नहीं जाते हैं। आपका तेल भी यूज हो जाता है जो कि हम फेंक देते हैं। तेल को बार बार तला हुआ तेल कोई सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो इस तरह से आप उस तेल को यूज़ करें। आपके दरवाजे हों, खिड़की हों, लकड़ी के डोर हों, उसमें आप तेल को लगा दीजिए, आपका जो तेल होगा बचा हुआ वो यूज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्विच बोर्ड की। देखिए कितना गंदा हो गया है, बिल्कुल काला पड़ गया है। किचन का हो तो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इस तरह से इसको किस तरह से क्लीन करें। एक पेन की हेल्प से हमारा स्विच बोर्ड अच्छे से क्लीन हो गया है। हमने लिया है स्पंज, स्पंज को लगा कर इस तरह से रोल कर दिया, उसके बाद हमने इसमें एक रबर लगा दी है। अब इस पे हम डालेंगे हार्पिक। हार्पिक डालते ही बस ये बहुत ही क्लीनिंग का बहुत ही आराम से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से हार्पिक लगाकर बिना पानी के स्विच बोर्ड में पानी डाल नहीं सकते हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप इसे पेन की हेल्प से इस तरह से लगाइए, क्योंकि हाथ में लगा नहीं सकते हैं हार्पिक, और हम इसे पॉलिथीन वगैरह से स्क्रब से साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पानी लगा होता है। तो जब हम सूखा स्पंज लगाते हैं और पेन में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और लाइट का जो करंट का होता है कोई भी खतरा नहीं होता है। तो आप अपने लाइट बोर्ड को इस तरह से जरूर क्लीन कीजिए। और पेन की हेल्प से देखिए हमारा बेसिंग कितने अच्छे से साफ होगा, आपको लगेगा जादू हो गया। इस तरह से हार्पिक डालने के बाद इसको हम अच्छे से चारों तरफ घुमा देंगे। घुमाने से क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। उसके बाद जो ये होल है, इस होल में हम इसे जब घुमाएंगे तो बहुत सारा कचरा निकलकर बाहर आता है। इस तरह से आप घुमाइए, आप देखेंगे जादू हो जाएगा, जो भी कचरा होगा अच्छे से इकट्ठा हो जाता है और नीचे का कचरा ये देखिए पूरा फंस करके, स्पंज में फंस करके बाहर आ जाता है। जब हम गोल गोल घुमाते हैं तो पूरा कचरा इस तरह से देखिए कितना सारा बाल और छोटे छोटे कण इसमें फंसे हुए थे सारे बाहर आ गए। तो जब भी आप बेसिंग को साफ करें इस तरह से आप पेन का यूज जरूर करें। जो हमारी पेन फेंकी जाती है, पुरानी हो जाती है, लास्ट में उसे हम कचरे में डाल देते हैं, तो उसकी हेल्प से हम इस तरह से लाइट बोर्ड को और बेसिंग को, जो भी छोटी छोटी जगह होती हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से साफ हो जाता है, गंदगी भी निकल जाती है। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, ज़रूर ट्राई करना। कैसी लगी हमारी सारी टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह की टिप्स चाहिए, आइडिया चाहिए, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।